दोस्तों आपको भी अगर अपने मोबाइल को रीसेट करना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, A to Z, दोस्तों किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास, तो आपको ऐसा तरीके से बताऊंगा, सिंपल और सरल तरीके से आप उसको रीसेट कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको फ़ोन रीसेट करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में रियल टेक्निकल में। दोस्तों क्या है, जब आप फ़ोन को रीसेट करेंगे तो आपके फ़ोन में रीसेट करने से पहले हर किसी के फ़ोन में एक जीमेल आईडी होती है, जिससे हम प्ले स्टोर या जो आप प्ले स्टोर की जो आईडी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, सिंपली वही आईडी का पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब दोस्तों आपका फ़ोन आप रीसेट करेंगे तो वो आईडी आपका ईमेल और पासवर्ड वही मांगेगा, ठीक है। अगर आप उसको नहीं डाल पाएंगे तो आपका फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा रीसेट के बाद, तो इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं मालूम है और आप साइट रीसेट करना चाहते हैं, भूल गए हैं ईमेल आईडी का पासवर्ड, तो कोई बात नहीं, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए कैसे अपने मोबाइल से ईमेल आईडी को रिमूव करें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में, ठीक है। अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाइए, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट एंड बैकअप का, ठीक है। अकाउंट एंड बैकअप पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ये अकाउंट एंड बैकअप का ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए हम बताते हैं। आपको सेटिंग ओपन करना है, ठीक है। एक बार फिर से फ़ोन की सेटिंग फिर से ओपन कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों ऊपर देखिए सर्च बार एक आ रहा है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन, यहाँ पर सर्च वाले पर क्लिक करिए और यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए फैक्ट्री डाटा रीसेट, ठीक है। जैसे कि मेरा ये फर्स्ट यहाँ पे आपको लिख लेना है फैक्ट्री डाटा रीसेट, यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे आप जैसे फैक्ट्री डाटा रीसेट लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों फैक्ट्री डाटा रीसेट, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन आते हैं दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि रीसेट ऑल सेटिंग, अगर दोस्तों आपकी रीसेट ऑल सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपकी कोई ऑल सेटिंग आपको कोई अपनी सेटिंग उल्टी सीधी लग गई है तो रीसेट ऑल सेटिंग कर दीजिए, आपकी सेटिंग पहले की तरह जैसा नया फ़ोन था वैसी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग, अगर केवल आपको नेटवर्क की सेटिंग को रीसेट करना मतलब नहीं करना है तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन रीसेट नेटवर्क सेटिंग को चूज़ कर सकते हैं। रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को आप यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पूरा फ़ोन ही रीसेट करना है, आप रीसेट करना चाहते हैं पूरा फ़ोन को, तो यहाँ पे जो ऑप्शन एक आ रहा है फैक्ट्री डाटा रीसेट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ये बताया कि ऑल डाटा विल बी इरेस्ट फ्रॉम योर फ़ोन इंक्लूडिंग योर, ठीक है। आपके फ़ोन में जितना भी डाटा, ठीक है, आईडी, जो भी ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, जो भी सब कुछ डाटा है आपका यहाँ से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सब कुछ आपका फोटो पिक्चर आईडी सब रीसेट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नीला कलर का रीसेट पे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पैटर्न आ गया, क्योंकि पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आपको सीधा जो आपका पैटर्न फ़ोन का जो भी लाख हो सिंपली आप उसको भर दें और यहाँ पे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका फ़ोन बिल्कुल नया हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला।